नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनुज, आप देख रहे हैं सक्सेना टेक्निकल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे राजकीय महाविद्यालय फरीदपुर में नए एडमिशन फॉर्म 2024-25 के बारे में। अगर दोस्तों आप लोग भी राजकीय महाविद्यालय फरीदपुर में बीए, बीएससी मैथ, बीएससी बायो एंड बीकॉम में एक नया एडमिशन 2024-25 के अंतर्गत लेना चाहते हैं तो किस प्रकार से आप अपने एडमिशन फॉर्म को अप्लाई करेंगे, क्या डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होने वाली है, उन डॉक्यूमेंट में आपको किन बातों का ध्यान रखना है और अपने घर बैठे कैसे खुद से फॉर्म को अप्लाई करना है, इसके बारे में आज की इस वीडियो में कंप्लीट इंफॉर्मेशन लेकर आए हैं। सो अगर आप लोग भी ये वीडियो को कंप्लीटली देख लेंगे, उम्मीद पूरी करते हैं आप लोग भी अपने घर बैठे राजकीय महाविद्यालय फरीदपुर के एक नए एडमिशन फॉर्म 2024-25 के अंतर्गत आसानी से अप्लाई कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। राजकीय महाविद्यालय फरीदपुर में बीए, बीएससी, बीकॉम में एक नया एडमिशन 2024-25 के अंतर्गत आवेदन करने से पहले आपको इसकी शॉर्ट इन्फॉर्मेशन के बारे में जानना काफी ज्यादा जरूरी है, जैसा कि इम्पोर्टेंट डेट हो गया, डॉक्यूमेंट लिस्ट के बारे में हो गया, फॉर्म फीस के बारे में हो गया और इसकी ऑफिशियल वेबसाइट, इन सब के बारे में जानना काफी ज्यादा जरूरी है। और ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने अपनी वेबसाइट सक्सेना टेक्निकल पे पूरा आर्टिकल लिख रखा है, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप लोग वहां पे क्लिक करके डायरेक्टली यहां पर आ सकते हैं। यहां पर आने के बाद सबसे पहले आप लोग देखिएगा इंपोर्टेंट डेट के बारे में, तो आप लोगों को बता दे ये फॉर्म स्टार्ट हो गए थे 24 मई 2024 से, यानी आज से स्टार्ट हुए हैं और आज ही आप वीडियो शूट करने का टाइम देख सकते हैं। इसकी लास्ट डेट है यहां पर 15 जून 2024। फॉर्म को अप्लाई करने के बाद आपको इसकी फीस पेमेंट करने की जो डेट है वो यहां पर 15/6/2024 है। साथ में आपको इसकी हार्ड कॉपी कॉलेज में जाके सबमिट करनी है 15/6/2024 तक। फॉर्म को कंप्लीट करने के बाद आपकी जो भी एडमिशन है वो यहाँ पे मेरिट के आधार पर होगा और मेरिट लिस्ट आपको अभी कोई अपडेट नहीं है। जैसे ही मेरिट की कोई सूचना आएगी आपको चैनल के माध्यम से मिल जाएगी, तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा ताकि आपको हर अपडेट मिलती रहे। बात करेंगे डॉक्यूमेंट लिस्ट के बारे में, तो आपके पास ये डॉक्यूमेंट का होना काफी ज्यादा जरूरी है, तभी आप लोग राजकीय महाविद्यालय फरीदपुर में एक नए एडमिशन फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। पहले नंबर पे आपके पास MJPRU रोहिलखंड यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रेशन नंबर 2024 का होना काफी ज्यादा जरूरी है। MJPRU रोहिलखंड यूनिवर्सिटी बरेली में एक नया एडमिशन के रजिस्ट्रेशन कैसे अप्लाई करते हैं, क्या डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होने वाली है, इस पर मैंने ऑलरेडी कंप्लीट वीडियो बना रखी है, लिंक आपको आई बटन पे मिल जाएगा, जाके वो वीडियो कंप्लीट देखिएगा। और वीडियो कंप्लीट देखने के बाद आपको वो वाला रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपको कुछ इस तरह का फॉर्म मिल जाएगा जैसा कि वीडियो के साइड में देख रहे हो, और इस फॉर्म के माध्यम से आप अपने राजकीय महाविद्यालय फरीदपुर में नए एडमिशन फॉर्म को आसानी से अप्लाई कर पाएंगे। दूसरे नंबर पे आपके पास हाई स्कूल की मार्कशीट होनी चाहिए। तीसरे नंबर पे आपके पास इंटरमीडिएट की मार्कशीट होनी चाहिए। अगर आपको ओरिजिनल नहीं है तो आप लोग इंटरनेट वाली यूज कर सकते हैं। चौथे नंबर पे आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए। पांचवें नंबर पे अगर आप लोग भी ओबीसी, एससी, एसटी से हैं तो आपके पास का सर्टिफिकेट का होना काफी ज्यादा जरूरी है। छठे नंबर पे अगर आपके पास डोमोसाइल सर्टिफिकेट यानी मूल निवास है तो लगा सकते हैं। सातवें नंबर पे अगर आप लोग जनरल कास्ट से हैं और आपके पास EWS सर्टिफिकेट है तो आपको 10% की छूट मिल सकती है। तो अगर आपके पास EWS है तो लगा दीजिएगा, अगर नहीं है तो आप लोग केवल जनरल से भी अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत यहां पर नहीं है। आठवें नंबर पे गैप एफिडेविट, अगर आप लोगों ने इंटरमीडिएट में 1 साल का 2 साल का 3 साल का गैप है तो आप लोगों को यहां पर गैप का एफिडेविट देना पड़ेगा, और अगर आपका इंटरव्यू कंटिन्यू है तो आपको यहां पर गैप एफिडेविट देने की आवश्यकता नहीं है। साथ में आपका एक फोटो सिग्नेचर, साथ में आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये डॉक्यूमेंट है तो आप लोग भी राजकीय महाविद्यालय फरीदपुर के नए एडमिशन फॉर्म को आसानी से अप्लाई कर पाएंगे। अब बात करेंगे फीस पेमेंट के बारे में, तो आप लोगों को बता दें फीस पेमेंट फॉर्म का है वो यहाँ पर 50 रुपए का है, और ये 50 रुपए का रजिस्ट्रेशन शुल्क यहाँ पर 15 जून 2024 तक महाविद्यालय में फॉर्म के साथ 50 रुपए जमा होंगे, तो इसका आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। हार्ड कॉपी ऑनलाइन करने के बाद हार्ड कॉपी निकलेगी, जिसकी हार्ड कॉपी का आपको फोटो कॉपी करानी है, और अपने कॉलेज में जो भी राजकीय महाविद्यालय में है वहाँ पर 15 जून 2024 तक
उसे सबमिट करना है और ₹50 आपसे शुल्क लिया जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ पे नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको एक वेबसाइट मिलेगी क्लिक हेयर, आपको इस पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद हम आ चुके हैं राजकीय महाविद्यालय की ऑफिशियल वेबसाइट पर। इसी वेबसाइट के माध्यम से आप अपने एडमिशन फॉर्म को अप्लाई करेंगे और इस वेबसाइट का लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ पे क्लिक करके डायरेक्टली आप लोग यहाँ पर आ सकते हैं। वेबसाइट पे आने के बाद आपको दो ऑप्शन देखने को मिलेंगे, पहला न्यू स्टूडेंट का, दूसरा ओल्ड स्टूडेंट का। आप लोग यहाँ पर न्यू स्टूडेंट हो तो आप लोग अपना जो रजिस्ट्रेशन है वो यहाँ पर न्यू स्टूडेंट में करेंगे। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिला है रजिस्ट्रेशन फॉर्म फॉर न्यू स्टूडेंट, आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको अपनी इन्फॉर्मेशन को फिल करना है और यहाँ पर आप लोग चाहे तो इसकी इन्फॉर्मेशन को रीड कर सकते हैं कि फॉर्म को फिल करते वक्त आपको इन डॉक्यूमेंट का देना काफी ज्यादा जरूरी है। अब आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, सबसे पहले नंबर पे आपको अपना आधार कार्ड नंबर को फिल करना है और यहाँ पर आपको अपना फर्स्ट नेम लिखना है और यहाँ पर आपको अपना लास्ट नेम लिखना है। अगर फॉर एग्जांपल आपका केवल फर्स्ट नेम है तो आपको यहाँ पर अपना फर्स्ट नेम लिखना है और लास्ट नेम में आप केवल यहाँ पर कॉमा या बिंदी का निशान लगा सकते। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और यहाँ पर आपको अपना एक पासवर्ड बनाना है। पासवर्ड का डेमो देख सकते हैं, कुछ इस तरह से आपको बनाना है। अपने नाम का पहला अक्षर कैपिटल रखना है, @123 बनाना है और आप लोग चाहें तो इसी पासवर्ड को भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत यहां पर नहीं है। इसके बाद यहां पे आपको कंफर्म पासवर्ड करना है और साइन अप वाले ऑप्शन पे आपको डायरेक्टली क्लिक कर देना है। साइन अप पे क्लिक करने के बाद हमारा जो यहां पे रजिस्ट्रेशन है ये सक्सेस हो गया है और यहाँ पे बैक आ चुके हैं। यहाँ पे अपना यूजर आईडी जो हम अपने अपना आधार कार्ड नंबर बनाया था उसे यहाँ पर फिल करेंगे, पासवर्ड फिल करेंगे और लॉगिन पे क्लिक करेंगे। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद हमारा जो डैशबोर्ड है वो यहाँ पर ओपन हो चुका है। सबसे पहले नंबर पे हम आएंगे फिल फॉर्म पर, तो हम इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमारा जो रजिस्ट्रेशन है वो यहाँ पर ओपन हो चुका है और सबसे पहले नंबर पे हमें MJPRU रजिस्ट्रेशन फिलअप करना है और ये रजिस्ट्रेशन हमारे रजिस्ट्रेशन फॉर्म जैसा कि ये देख सकते हैं हमारा MJPRU का कंप्लीट है और यहाँ पर हमारा जो रजिस्ट्रेशन नंबर है M24U वाला, ये वाला रजिस्ट्रेशन नंबर हमें यहाँ पर फिलअप करना है। इसके बाद हमें अपना स्ट्रीम सिलेक्ट करना है कि हम आर्ट के हैं, साइंस के हैं, कॉमर्स के हैं। इसे सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको अपना कोर्स सिलेक्ट करना है, बीए, बीएससी, बीकॉम, जिस कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं। आप अपना सेमिस्टर सिलेक्ट कीजिएगा, यहाँ पर आप अपना आधार कार्ड नंबर को फिल कीजिएगा। यहाँ पर अगर आपका वोटर आईडी कार्ड है तो आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं, अन्यथा आपको यहाँ पर NA करना पड़ेगा। यहाँ पर अगर आपका डोमोसाइल यानी मूल निवास है तो उसका आवेदन नंबर, सर्टिफिकेट नंबर फिल कीजिएगा, अन्यथा आपको यहाँ पर 0 रखना पड़ेगा। यहाँ पर आपको अपना फुल नेम लिखना है, यहाँ पर आप अपना जेंडर सिलेक्ट करेंगे, यदि आपको ब्लड ग्रुप मालूम है उसे सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे फादर नेम, मदर नेम, अगर आप लोग मैरिड हैं तो आप लोग अपने हस्बैंड का नाम फिल करेंगे, अन्यथा इसे भी यहाँ पर NA करेंगे। इसके बाद यहाँ पे आप अपनी डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट करेंगे, तो डेट ऑफ बर्थ दिन महीना ईयर के हिसाब से सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर आप अपनी कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर आप अपना इंडियन दिखाएंगे, यहाँ पर पूछा जा रहा है कि आपका जन्म कहाँ हुआ था उसका प्लेस आप फिलअप करेंगे, यहाँ पर आप अपना धर्म सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर आप अपनी कास्ट सिलेक्ट करेंगे। अगर आप लोग जनरल से हैं तो आपको यहाँ पर NA करना है और अगर आप लोग OBC SC से हैं तो आप लोग जो भी आपकी उपजाति है उसे आप लोग यहाँ पर फिलअप करेंगे। यहाँ पर जाति प्रमाण पत्र का आवेदन नंबर, सर्टिफिकेट नंबर, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आप इस एड्रेस पे कितने वर्ष से रह रहे हैं, तो आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ है, अगर आप लोग जन्म से रह रहे हैं तो आप अपनी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से कैलकुलेट करके आज तक का यहाँ पर अपना टोटल एज लिख सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पे प्रेजेंट एड्रेस लिखना है और यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है आपका हाउस नंबर क्या है, यदि आपको मालूम है तो डाल सकते हैं, अन्यथा 0 कर सकते हैं। यहाँ पर अपने कॉलोनी एवं विलेज का नाम लिखेंगे, सिटी, टाउन या फिर ब्लॉक का नाम लिखेंगे, पोस्ट लिखेंगे, एरिया पिन कोड लिखेंगे, डिस्ट्रिक्ट लिखेंगे, स्टेट लिखेंगे। प्रेजेंट और कम्युनिकेशन एड्रेस अगर आपका सेम है तो दोनों सेम करेंगे और अलग अलग है तो आप लोग दोनों यहाँ पर अलग अलग फिलअप कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर फिजिकल हैंडीकैप, अगर आप लोग विकलांग है तो आप लोग उसकी इन्फॉर्मेशन देंगे, अन्यथा यहाँ पर NA करेंगे और यहाँ पर परसेंटेज में 0-0 कर देंगे। इसके बाद अगर आप लोग आर्मी की फैमिली से हैं या फिर फ्रीडम फाइटर से हैं तो आप लोग, या फिर आप लोग कॉलेज का स्टाफ है तो इनमें से आप लोग यहाँ पर यस करेंगे, अन्यथा इसे नो करेंगे। अगर आप लोग जनरल कास्ट से हैं और आपके पास EWS सर्टिफिकेट है तो आप लोग यहाँ पर दे सकते हैं, तो आपको यहाँ पर यस करना है, EWS सर्टिफिकेट नंबर डेट डालेंगे। यदि आप लोग जनरल से हैं और आपके पास EWS नहीं है तो आपको नो करना है और इसके अलावा अदर कैटेगरी से हैं तो भी आपको यहाँ पर नो करना है।
इसके बाद आपको यहाँ पर इनकम सर्टिफिकेट की इन्फॉर्मेशन फिल करनी है, जैसा कि आपके फादर मदर क्या करते हैं, इनकम सर्टिफिकेट के अनुसार वो जारी कब हुआ था, इनकम क्या है, आय प्रमाण पत्र नंबर, सर्टिफिकेट नंबर, ये डिटेल आपको यहाँ पर फिलअप करनी है। इसके बाद यहाँ पे अगर आपके पास NCC गेम्स या फिर NSS या फिर रोवर रेंज इनमें से कोई भी है तो आप यहाँ पे लगा सकते हैं। और यदि आपका कोई गैप है 1 साल का 2 साल का 5 साल का तो आप लोग उसका यहाँ पर गैप की इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। यहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर, ईमेल आईडी, ये डिटेल को फिल करने के बाद आपको एक बार अच्छी तरीके से चेक करना है। चेक करने के बाद आपको एक ऑप्शन मिल रहा है सबमिट का, आपको डायरेक्टली सबमिट कर देना है। अगर आपकी ऊपर इन्फॉर्मेशन सारी सब कुछ ठीक है तो सबमिट करने के बाद हम आ चुके हैं सेकंड स्टेप पर। तो सबसे पहले नंबर पे हम आ चुके हैं ऐड इन्फॉर्मेशन पर। यहाँ पर हमें अपनी हाई स्कूल की इन्फॉर्मेशन, उसके बाद इंटरमीडिएट की डिटेल को ऐड करना है। सबसे पहले हम अपने हाई स्कूल की इन्फॉर्मेशन को ऐड करेंगे। हाई स्कूल कौन सी सन में पास आउट किया था, रोल नंबर क्या था, कौन सी साइड से किया था, और यहाँ पर पूर्णांक कितना था, और यहाँ पर हमारा जो प्राप्तांक है वो कितना था, कौन से बोर्ड से किया था, हाई स्कूल में कौन कौन से सब्जेक्ट थे, ये आपको यहाँ पर फिलअप करने हैं। सारी इन्फॉर्मेशन को फिल करने के बाद आपको डायरेक्टली सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद हमारे सामने हाई स्कूल की इन्फॉर्मेशन ऐड कर दी गई है। इसके बाद हम यहाँ पर बिल्कुल सेम प्रोसेस से इंटर की इन्फॉर्मेशन को ऐड करेंगे। इंटर की इन्फॉर्मेशन को ऐड करने के लिए हमें यहाँ पर अपना इंटरमीडिएट पे क्लिक करना है। इंटर कौन सी सन में किया था, रोल नंबर क्या था, कौन सी साइड से किया था, आपका प्राप्तांक कितना था, पूर्णांक कितना था, ये आपको डिटेल फिल करनी है। आपके सब्जेक्ट क्या थे और कौन से बोर्ड से किया था, ये सारी डिटेल को फिल करने के बाद आपको सबमिट पे क्लिक करना है। सबमिट करने के बाद हमारे सामने हाई स्कूल इंटर की दोनों इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आ चुकी है। पूरी इन्फॉर्मेशन को चेक करने के बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों हम आ चुके हैं फोटो अपलोड पर। फोटो अपलोड करने के लिए चॉइस फाइल पे क्लिक करना है। हमारा जहाँ भी फोटो पड़ा है उसे सिलेक्ट करेंगे, अपलोड कर देंगे। अपलोड करने के बाद हमारा जो फोटो है वो यहाँ पर सक्सेसफुल कंप्लीट हो चुका है और हमारा जो फॉर्म का प्रीव्यू है वो यहाँ पर आ चुका है। आपको इस वाले फॉर्म को पूरी अच्छी तरीके से चेक करना है, आपके द्वारा दी गई जानकारी सारी सही है तो आपको फाइनल सबमिट पर क्लिक करना है। आपका फॉर्म फाइनल सबमिट हो चुका है, डेट आ चुकी है, आपको ऊपर आना है और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा प्रिंट फाइनल प्रिंट, आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद हमारे फॉर्म का जो प्रिंट है वो यहाँ पर आ चुका है 3 पेज में। इसका आपको यहाँ पर क्लिक करके प्रिंट आउट निकाल लेना है। और प्रिंट आउट निकालने के बाद जो मैंने स्टार्टिंग में वीडियो बताई थी उसमें जो जो डॉक्यूमेंट बताए थे उन डॉक्यूमेंट के साथ 15 जून 2024 तक आपको महाविद्यालय में जाके 50 रुपए के साथ में इसकी हार्ड कॉपी को सबमिट करना है। और उसके बाद जब भी आपकी मेरिट लिस्ट आएगी आपको इस चैनल के माध्यम से सूचना मिलती रहेगी। आप लोग इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखेगा। बाकी मिलते हैं एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।